नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हर की पौड़ी की पास की सभी मार्केट को दिखाने वाला हूं, जिसमें मोती बाजार, बड़ा बाजार, अपर रोड, भीमगोड़ा के पास की मार्केट भी शामिल है। आप लोगों की ओर से लगातार कमेंट में कहा जा रहा था कि मुझे हर की पौड़ी के पास की मार्केट को देखना है, तो आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लगभग पूरी मार्केट को कवर करूँगा और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आपकी पुरानी यादें जरूर ताज़ा हो जाएंगी। अगर आपने पहले हर की पौड़ी की मार्केट को देखा है तो आज आप अपने पुराने दिनों को जरूर याद करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपर रोड की मार्केट को देख सकते हैं। रोड पूरी तरह से उखड़ी पड़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस रोड में काम चल रहा था। कुछ श्रद्धालु अब दिखने लगे हैं, कुछ दिन पहले तो ये रोड पूरी तरह से खाली थी। यहाँ पर मनसा देवी उड़न खटोले की ओर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं। आप मैं इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहां पर भी हरिद्वार ऋषिकेश की छोटी छोटी जानकारी देता रहता हूं, और आप इंस्टाग्राम में मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। दोस्तों, यहाँ पर आप मनसा देवी पैदल मार्ग को भी देख सकते हैं।
अब हम अपर रोड पर चलते चलते हर की पौड़ी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप मोहनपुरी के साथ साथ खाने पीने की कुछ दुकानों को देख सकते हैं, जहाँ पर अब भीड़ होने लगी है। कुछ दिन पहले ये दुकानें पूरी तरह से खाली थी। अब आगे चलते हैं और बड़ा बाजार को देखते हैं, जो कि हर की पौड़ी के बिल्कुल बगल में बनी हुई है। आप इस खूबसूरत मार्केट को देख सकते हैं, जिसका नाम है बड़ा बाजार, जहां आम दिनों पर पैदल चलना भी कठिन होता था, लेकिन अभी इस मार्केट में कुछ ही लोग दिख रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे अब हम हर की पौड़ी की मेन मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मोती बाजार, जिसको ज्यादातर लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये यहाँ की मेन मार्केट है। जिन लोगों ने मोती बाजार को देखा है और यहाँ पर घूमे भी हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप में से कितने लोग यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब हम उस मार्केट के पास पहुंच चुके हैं, जिसका आप सभी को इंतजार था। आप देख सकते हैं, ये मोती बाजार है। आप इस सुंदर मार्केट को देख सकते हैं। शाम के समय इस मार्केट को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे रोड में झांकियां सजी हैं। यहां से निकलने वाले हर एक श्रद्धालु को ये दुकानें अपनी ओर खींचती हैं और कुछ न कुछ खरीदने के लिए विवश कर देती हैं, क्योंकि इन दुकानों की सजावट लाजवाब होती है। Thank you.
मोती बाजार की मार्केट में घरों के सजावट के सामान के साथ साथ पीतल तांबे का सामान भी मिलता है। इस मार्केट में कॉस्मेटिक सामान की बहुत सारी दुकानें हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस मार्केट में पूजा करने के लिए जरूरी लगभग सभी सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम भीमगोड़ा के पास की मार्केट को देखने के लिए आगे चल रहे हैं। भीमगोड़ा की जो मार्केट है वो हरकी पौड़ी से लगभग 700-800 मीटर की दूरी में होगी। आप इस मार्केट को देख सकते हैं जो कि खाली है, यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे भीमगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि महाभारत काल से यहाँ पर स्थित है। अगर आपने इस स्थान की वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वह वीडियो स्क्रीन में आ जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो में हरकी पौड़ी की मार्केट को देखकर आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी शेयर ज़रूर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।